हेलो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? दिल्ली यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 4 जुलाई 2020 लास्ट डेट है। उससे पहले पहले आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देना है 5 बजे से पहले, ठीक है? तो क्या है पूरा प्रोसीजर BSc इन फिजिकल एजुकेशन का, BPED का, MPED का सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर है, एंट्रेंस किस तरह से होगा, उस पर मैं दोस्तों ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ डिटेल में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वाली वीडियो दोस्तों देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है अपना ऑनलाइन, तो किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। पहले मैं आपको वो बता दूँ डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बाद मैं आपको एक डेमो एक फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा डेमो की तरह, वो आप देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है पहले समझ लेते हैं। आपको एक फ़ोटो चाहिए होगा, एक सिग्नेचर अपना, दूसरी चीज़ आपका आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो सकता है या वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है या ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है। तीसरी चीज़ होगी आपकी 10th की मार्कशीट होगी, 10th की मार्कशीट आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए, वो आपको अटैच करनी होगी। चौथी चीज़ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की जो मार्कशीट है, यानी कि उस क्लास की मार्कशीट जो कि आपको ये कोर्स करने के एलिजिबल बना रही है। मान लेते हैं आपने BPED के लिए अप्लाई करना है तो कौन सा कोर्स है जिसकी वजह से आप BPED में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। जैसे मान लेते हैं आपने BA BSc BCOM कोई कोर्स कर रखा है, उसके बेस पर आप BPED में एडमिशन ले रहे हैं तो उसकी मार्कशीट आपको अटैच करनी है, या आप BSc इन फिजिकल एजुकेशन के बाद BPED कर रहे हैं तो उसकी मार्कशीट आपको अटैच करनी है। इसी तरह से अगर आप BSc इन फिजिकल एजुकेशन में एडमिशन लेंगे तो आपको 12th क्लास की मार्कशीट अटैच करनी होगी, अगर आप MPED में एडमिशन लेंगे तो आपको BPED की मार्कशीट अटैच करनी होगी या BSc इन फिजिकल एजुकेशन की मार्कशीट अटैच करनी होगी, ठीक है? तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट में ये चीज़ आपको अटैच करनी है। पाँचवीं चीज़ है दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है। जिन लोगों ने अब से पहले ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किया है, मतलब फॉर्म फिल करा है, तो काफ़ी लोगों ने कॉमेंट्स में पूछा है मेरी अलग अलग वीडियोज़ की कि एक ऑप्शन आ रहा है उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट हमें अटैच करना है, उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई स्पेसिफिक प्रोफॉर्मा के बारे में लिखा हुआ है कि उस पर अटैच करना है। अब क्या है वो प्रोफॉर्मा, कहाँ मिलेगा, उसके बारे में कन्फ्यूज़न है काफ़ी लोगों को, तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों मेडिकल का प्रोफॉर्मा आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यही प्रोफॉर्मा है जिस पर आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। अब कहाँ से मिलेगा आपको ये मेडिकल सर्टिफिकेट का प्रोफॉर्मा, तो मैं आपको बता दूँ नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये प्रोफॉर्मा डाउनलोड करने का ही लिंक है, आप डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट का प्रोफॉर्मा डाउनलोड करके आप इसे प्रिंट करा लें और फिर प्रिंट कराने के बाद किसी भी सर्टिफाइड मेडिकल डॉक्टर के पास जाकर इस प्रोफॉर्मा को ही ले जाकर आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ध्यान रहे इसी प्रोफॉर्मा पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है और यही प्रोफॉर्मा आपको अटैच करना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम, क्योंकि अगर आप किसी डॉक्टर के खुद के प्रोफॉर्मा पर मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर अटैच करा देते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है आगे, हो सकता है आपका एडमिशन इसी वजह से कैंसिल हो जाए, तो इसी प्रोफॉर्मा पर भी आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएं किसी भी सर्टिफाइड मेडिकल डॉक्टर से, उसके तो उसमें जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनके सिग्नेचर होने चाहिए, स्टाम्प वगैरह होनी चाहिए। उसमें एक चीज़ और लिखी हुई है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही आपको बनवाना है, लेकिन जैसा कि मैंने लास्ट ईयर देखा है, उससे पिछले साल भी देखा मैंने, तो अगर कोई प्राइवेट MBBS डॉक्टर हैं उनका भी चलेगा, है ना, तो आप बनवा सकते हैं उनसे भी। वैसे अच्छा है कि आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या आप DU की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, www.dudpass.du.ac.in, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये वाला प्रोफॉर्मा मेडिकल का, ठीक है? आगे की चीज़ है छठी चीज़, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होगी अपना फॉर्म फिल करते समय, ये भी आपको अटैच करना है क्योंकि इसी सर्टिफिकेट के बेस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। तो जब आप स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट 200 अटैच करेंगे, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपका जो हाईएस्ट सर्टिफिकेट है वो ही कंसीडर किया जाएगा, तो इस वजह से आपको एक ही सर्टिफिकेट वहाँ अटैच करना है और जो हाईएस्ट सर्टिफिकेट होगा आपका वो ही आप अटैच करें इसमें, ठीक है? क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे, तो बहुत ध्यान से आपको ये चीज़ करनी है। कई बार कई लोग गलती कर देते हैं, नेशनल का सर्टिफिकेट होने के बावजूद वो
स्टेट का या जो भी उनके पास सर्टिफिकेट है कोई सा भी अटैच कर देते हैं तो बाद में जाके आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर ये चेंज नहीं होगा एक बार होने के बाद। हालांकि करेक्शन की एक बार डेट आएगी तो उस समय हो सकता है, लेकिन अभी आप अच्छे से कर लें तो यही ठीक है। तो मेडिकल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बारे में बता चुका हूँ, ये आपको अटैच करना है। अब ये डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट आपको फॉर्म फिल करते समय होगी, ठीक है। अब कैसे फॉर्म फिल करना है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, फॉर्म आप अगर कंप्यूटर पर फिल करें तो ज़्यादा अच्छा है बजाय इसके कि आप अपने मोबाइल पर फिल करें, क्योंकि मोबाइल पर मतलब काफ़ी दिक्कत आती है, कई बार नहीं कर पाते बहुत सारी चीज़ें मोबाइल पर। तो अच्छा है कि आप कंप्यूटर पर करें तो अच्छी तरह से हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कैसे फिल करना है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पर जाकर टाइप करना है www.du.ac.in और क्लिक कर देना है। तो ये मैंने क्लिक कर दिया, देखिए मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की, आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, नीचे राइट साइड पर आपको दिख रहा होगा एडमिशंस 2020, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो ये मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ एडमिशंस 2020 पर। ये देखिए एक नया पेज खुल गया है, इस पेज में अब आपको बीच में दिख रहा होगा यूजी एडमिशन पोर्टल 2020, पीजी एडमिशन पोर्टल 2020 और एमफिल पीएचडी एडमिशन पोर्टल 2020। तो इनमें से आपको क्या करना है, अगर आपको बीएससी का फॉर्म फिल करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ये जो यूजी एडमिशन पोर्टल 2020 लिखा हुआ है। और अगर आपको बीपीएड या एमपीएड का फॉर्म फिल करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ये जो पीजी एडमिशन पोर्टल लिखा हुआ है दोस्तों। तो मैं चलिए बीपीएड का एक फॉर्म फिल करके आपको दिखा देता हूँ, इसी तरह से सारे फॉर्म फिल करे जाएंगे बीएससी का भी और एमपीएड का भी। तो मैं बीपीएड का एक भर के दिखा देता हूँ, बीपीएड के लिए पीजी एडमिशन पोर्टल 2020 पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने क्लिक कर दिया, ये देखिए एक नया पेज अब खुलकर आ गया है, नए टैब में आ गए हैं हम। अब दोस्तों यहाँ तक आने के लिए आप चाहें तो ऐसे ही आ सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया गूगल से, और आप चाहें तो जो मैंने लिंक दे रखा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ से भी क्लिक करके आप डायरेक्टली इसी पेज पे आ जाएंगे। तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। अब इस पेज पे आने के बाद आपको दिखेगा लेफ्ट साइड में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि फॉर्म फिल करने के लिए किन किन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट होगी, तो वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आप चाहें तो यहाँ भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपने ऑलरेडी कोई मतलब रजिस्ट्रेशन करा रखा है DU में तो आप लॉगिन कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं कराया तो नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आप तो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन जो नीचे है इस पर क्लिक कर दें। तो मैं पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ यहाँ पर, तो चलिए मैं न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देता हूँ। और अगर मैं पहली बार नहीं कर रहा होता तो मैं लॉगिन कर लेता पुराने वाले उससे, तो मैं नए यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देता हूँ, आप भी यही करें। तो ये मैंने कर दिया, देखिए अब एक और ये नया पेज खुलकर आ गया है हमारे सामने। अब यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स मांगी गई हैं, लॉगिन डिटेल्स है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। तो लॉगिन डिटेल्स में आपको क्या करना है, अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है, और खुद जो भी पासवर्ड आप जनरेट करना चाहते हैं वो पासवर्ड बना लें। पासवर्ड ऐसा बनाएं आप ताकि आपको याद रहे, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ सकती है आगे भी इसे दोबारा से लॉगिन करने की। तो कोई भी इजी सा पासवर्ड जो भी आप याद रख सकते हैं पासवर्ड बना लें आप। 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको देना है, मोबाइल नंबर कोई सही नंबर दें क्योंकि इस पर OTP आएगी तो वो आपको फिल करनी होगी, और बाकी ये जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो सब आपको फिल करनी है, जैसे फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपकी, कैटेगरी, कैटेगरी में जनरल OBC SC ST यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो भी आपकी कैटेगरी है EWS वगैरह जो कुछ भी है वो आप फिल कर सकते हैं, और जेंडर जो भी है मेल फीमेल जो कुछ भी वो सब आप कर सकते हैं, नेशनैलिटी, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, स्टेट ऑफ डोमिसाइल में आपका जो भी स्टेट है दिल्ली UP जो भी है वो भर सकते हैं आप। CW कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आप क्लिक कर सकते हैं, जिसमें भी आप आते हैं, नहीं आते तो आप नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देंगे। तो मैं CW कैटेगरी में नहीं आता तो मैं नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर दूंगा दोस्तों। दूसरी बात यहाँ पर आती है माइनॉरिटी कैटेगरी, तो यहाँ भी अगर आप आते हैं क्रिश्चियन माइनॉरिटी या सिख माइनॉरिटी में तो आपको क्लिक करना है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल, तो मैं यहाँ भी नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ। उसके बाद नीचे PWD कैटेगरी है, तो PWD कैटेगरी तो दोस्तों फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट के लिए होती ही नहीं है, तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल ही करना है, सभी को करना है नॉट एप्लीकेबल फिजिकल एजुकेशन के जो भी स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटी अटेंडेड फॉर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, तो इस पर आपकी जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने क्वालिफाइंग एग्ज़ाम दिया है, जैसे मैं BPED का फिल करूँगा
तो मैंने जहाँ से ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करी है उस यूनिवर्सिटी का आपको जो भी लिस्ट दी गई है इसमें से सेलेक्ट करके उस पर सेलेक्ट कर देना। अगर यूनिवर्सिटी लिस्ट में नहीं है तो सबसे नीचे अदर का ऑप्शन आ रहा है, तो अदर पर क्लिक करके नीचे यूनिवर्सिटी का यहाँ पर नाम लिख देना है आपको, ठीक है। तो जो भी नाम होगा वो आप लिख देंगे, और उसके नीचे नाम लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, टेक्स्ट द टाइप द टेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है, कैप्चा कोड सा दिया हुआ है, वो आपको कैप्चा कोड यहाँ पर लिखना है, और मदर नेम, फादर नेम, गार्जियंस नेम जो कुछ भी है वो लिखना है। तो ये सब आपको करने के बाद क्या करना होगा, यहाँ पर यस का ऑप्शन है उस पर टिक करके आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। तो मैंने अभी एंट्री फिल नहीं की है, चलिए जल्दी से मैं एंट्री पूरी फिल करके इसे कर देता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने एंट्री फिल कर दी है, जैसा कि आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स जो कुछ भी थी वो मैंने फिल कर दी है, ये कैप्चा कोड भी मैंने लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, नीचे राइट हैंड पर लिखा हुआ है यस, तो उस पर टिक करना है। ये मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर ओके आ गया, अब ये यहाँ पर क्लिक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर यस करने के बाद एक बार आप चाहें तो दोबारा चेक कर लें कि आपने कुछ गलत तो नहीं भरा है, ठीक है। ये भरने करने के बाद सब कुछ आपको रजिस्टर लिखा हुआ है नीचे ब्लू कलर में, तो उस पर आपको क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक कर दिया रजिस्टर। अब ये देखिए ये मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है, मतलब लॉगिन के लिए रजिस्ट्रेशन हो गया है। मैं लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल कर सकता हूँ, ये नए पेज पे आप देख सकते हैं। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर भर देना है। तो चलिए मैं उस OTP को यहाँ पर भर देता हूँ। OTP भरने के बाद आपको क्या करना है, एक नीचे कैप्चा कोड दिया हुआ है, कैप्चा कोड पे आपको जो भी दिया हुआ है FIGICO, ये मैंने देखा कैप्चा कोड भर दिया, और उसके बाद सबमिट OTP, तो मैंने सबमिट OTP पे क्लिक कर दिया। ये देखिए अब OTP पे सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको दोबारा से लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपने अपनी ID लिखी थी वो ID आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी वो ID लिख देता हूँ और लॉगिन कर लेता हूँ। अब ID और कैप्चा कोड मैंने दोस्तों लिख लिया है, उसके बाद मैं लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए मैंने लॉगिन पर क्लिक कर दिया है। अब लॉगिन पर क्लिक करते ही यहाँ पर इसने पर्सनल डिटेल्स बता दी, जो कुछ भी मैंने वहाँ पर फिल करी थी, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स सब कुछ आ गई, आप देख सकते हैं। अब नीचे स्क्रॉल को आप करेंगे तो यहाँ पर प्लीज़ अपलोड द फॉलोइंग, आपको फाइल्स अपलोड करनी है। तो एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जैसा कि मैंने आपको बताया 50 KB का होना चाहिए, वो अपलोड करना है। तो मैं सेलेक्ट फाइल करके इसे ले लेता हूँ डेस्कटॉप पे से। ये मैंने फ़ोटो ले लिया अपना, ठीक है। इसे स्टार्ट अपलोड पर क्लिक कर देंगे तो ये फ़ोटो अपलोड हो गया। उसके बाद सिग्नेचर को अपलोड करना है आपको यहाँ पर, तो सिग्नेचर मैं ले लेता हूँ। ये सारी चीज़ें आप एक जगह इकट्ठी करके रखेंगे तो आपको आसानी होगी। स्टार्ट अपलोड, देखिए सिग्नेचर भी अपलोड हो गए मेरे। उसके बाद ID प्रूफ के लिए कहा जा रहा है, तो ID प्रूफ में आपको सेलेक्ट करना है कौन सी ID प्रूफ आपको देनी है। तो चलिए मैं आधार कार्ड की आपको दिखा देता हूँ, चलिए आधार कार्ड का ही। और ID प्रूफ का नंबर क्या है, तो वो ID प्रूफ का नंबर देना है, जो कुछ भी नंबर है। अभी तो मैं चलिए कोई भी ऐसे ही नंबर डाल देता हूँ। तो ये मैंने ID प्रूफ का नंबर डाल दिया और आधार कार्ड मैंने लगाया है। अब सेलेक्ट फाइल, आपको अटैच करनी है फाइल। तो क्योंकि दोस्तों मैं अभी ऐसी फिल कर रहा हूँ आपको बताने के लिए, तो मैं कोई सी भी फाइल सेलेक्ट करके यहाँ इसे अटैच कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 10th की मार्कशीट के लिए बोला गया है, तो 10th की मार्कशीट भी चलिए कोई सी भी फाइल में अटैच करके फिलहाल आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको वही सही सही करनी है, जो कुछ भी आपको अटैच करना है सही होना चाहिए वो बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद आप नीचे पोस्टल एड्रेस और ये और कुछ डिटेल्स दी हुई हैं वो सब आपको भरना है। तो पोस्टल एड्रेस जो कुछ भी होगा आपको आप वो भर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो भी पोस्टल एड्रेस की डिटेल्स थी वो मैंने दे दी है। अब नीचे बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड, तो बैंक डिटेल्स आपको दे देनी है, जो भी आपकी बैंक की डिटेल्स हैं तो वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। ये मैं चलिए जल्दी फिल कर देता हूँ इसे भी। तो ये मैंने बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड ये भी फिल कर दिया है। उसके बाद है हॉस्टल रिक्वायरमेंट। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, आपको हॉस्टल की रिक्वायरमेंट है या नहीं है उस पर आपको क्लिक करना है। डू यू नीड हॉस्टल यहाँ पर पूछा गया है, तो यस और नो, तो मैं सेलेक्ट करूँगा यस। अगर आपको चाहिए तो आप यस पर सेलेक्ट कर देंगे। तो हॉस्टल के भी रूल है दोस्तों, 70 किलोमीटर हॉस्टल की डिस्टेंस होनी चाहिए आपके घर से, मतलब जो भी आपका रेजिडेंशियल एड्रेस आप दे रहे हैं उससे आपके हॉस्टल की जो दूरी है, यानी जिस कैंपस में आप एडमिशन लेंगे, तो IGI का जो कैंपस है वहाँ की दूरी 70 किलोमीटर होनी चाहिए।
तो उसी हिसाब से आप अपना एड्रेस दें। तो हॉस्टल का आपका जो अपना रेजिडेंशियल स्टेट है उसके बारे में लिख दें। तो चलिए मैं दिल्ली NCT भर देता हूँ, आप अदर में जाके कुछ भर सकते हैं दूसरा जो भी आपका होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ करने के बाद अब मैं अपलोड पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखिए अपलोड मैंने जब क्लिक करा तो ये सब कुछ जो भी मैंने एंट्रीज फिल की थी वो सब कुछ इसका प्रीव्यू आ गया है एक तरीके से। तो आप इसे सबमिट करने से पहले दोस्तों पढ़ सकते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। अगर मिस्टेक आपको कुछ चीज़ गलत लग रही है तो अपडेट अपलोडेड फाइल्स यहाँ पर क्लिक करके आप अभी इसे चेंज कर सकते हैं, नहीं तो फिर बाद में भी मौका दिया जाएगा लेकिन थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ, मैंने चेक कर लिया है सब कुछ सही है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सबमिट माई प्रोफाइल इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है, तो इसमें चार चीज़ें हुई हैं मैंने क्या क्या चीज़ अपनी इसमें अटैच की हैं तो ये आप पढ़ लें। उसके बाद यहाँ नीचे दिया हुआ है आई कन्फर्म द अबव, इस पर आपको टिक करके सेव माई प्रोफाइल उस पर क्लिक कर देना है। तो ये मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए अब यहाँ से शुरू होता है आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, यहीं से अप्लाई करने का प्रोसेस शुरू होता है। अप्लाई पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद एजुकेशन डिटेल्स यहाँ पर देनी है आपको, पर्सनल डिटेल्स आप ऑलरेडी दे चुके हैं तो स्क्रॉल को नीचे करके पहले एजुकेशन डिटेल्स जो भी हैं आपकी 10+2 आपने कहाँ से किया है, किस स्ट्रीम में किया है, तो चलिए मैं डाल देता हूँ स्ट्रीम साइंस डाल दी मैंने। और सेलेक्ट बोर्ड, कौन से बोर्ड से किया है, तो मैं यहाँ पर CBSE बोर्ड डाल देता हूँ। आपने जिस भी बोर्ड से किया है आप वो वाला बोर्ड डाल सकते हैं। कौन से ईयर में पास किया है, तो जिस भी ईयर में आपने पास किया हो वो आप क्लिक कर देंगे। जो भी एंट्रीज हैं, जितने मार्क्स हैं आपके आप वो मार्क्स लिख दीजिए। तो मैं चलिए कोई भी मार्क्स लिख देता हूँ इसमें, तो ये मैंने मार्क्स लिख दिया। उसके बाद क्वालिफाइंग डिग्री, तो मैं क्योंकि BPED का भर रहा हूँ तो BPED करने से पहले मैंने क्या किया है, तो मैं चलिए इसमें जो भी आपने किया हो मान लेते हैं BSc किया है मैंने, तो चलिए BSc पर मैंने क्लिक कर दिया। अब सब्जेक्ट क्या था मेरा BSc के अंदर, किस उसमें किया है, तो जो भी आपके सब्जेक्ट हो वो लिख सकते हैं। आपने BA किया है तो BA के अपने सब्जेक्ट्स लिख सकते हैं, जो कुछ भी हो। मैं इसमें अभी क्योंकि मैं अभी वैसे फॉर्म फिल नहीं कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं कुछ भी इसमें कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। यूनिवर्सिटी लास्ट अटेंडेड, जो भी यूनिवर्सिटी आपने लास्ट में अटेंड की हो उसका नाम लिख देना है आपको, तो मैंने ऐसे ही क्लिक कर दिया है वैसे तो, ठीक है। उसके बाद ईयर, कौन से ईयर में आपने पास किया है तो वो लिख देना है आपको। चलिए मैं 2020 लिख देता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपका मान लेते हैं 2020 में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो आपका रिजल्ट आ गया है या नहीं आया। अगर रिजल्ट नहीं आया तो रिजल्ट अवेटेड का यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर आप यस कर देंगे रिजल्ट अवेटेड पर। ऊपर आपको दिख रहा है ना रिजल्ट अवेटेड, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है, मैंने यस कर दिया है, ठीक है। और अगर आ गया है आपका तो नो कर देंगे आप। उसके बाद नो, अगर जैसे आप नो करेंगे तो फिर यहाँ पर मार्क्स पूछे जाएंगे कितने मार्क्स आए आपके। और अगर मैं देखे यहाँ पर यस कर दिया तो अब मार्क्स यहाँ पर रिजल्ट अवेटेड लिखा हुआ आ रहा है। तो मैंने क्योंकि रिजल्ट मोस्टली स्टूडेंट्स का नहीं आया है तो उनके लिए बता रहा हूँ मैं, काफ़ी लोग इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद अदर एग्जामिनेशन, अगर आपने कोई और डिग्री कोर्स कर रखा हो, जो भी कुछ कर रखा हो, वो भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं अगर आपने करा हो तो, नहीं करा तो उसमें कोई वो इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ लास्ट कॉलेज अटेंडेड, आपने कौन सा कॉलेज लास्ट में अटेंड किया है, तो जो भी आपने अटेंड किया हो कॉलेज, चलिए मैं इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ही डाल देता हूँ यहाँ पर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आपने यहाँ इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेज ही लिखना है, आपने जहाँ से भी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है आपको उस कॉलेज का नाम लिखना है। ये तो मैं सिर्फ पहचान करने के लिए बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ से कंप्लीट की है तो इसलिए मैं इसका नाम लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद नीचे आपको करना है सेलेक्ट प्रोग्राम यू विश टू अप्लाई, कौन से कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं BPED का आपको भरकर दिखा रहा था तो ये मैंने BPED पर क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चूज एडमिशन क्राइटेरिया, कौन से क्राइटेरिया को फुलफिल कर करके आप BPED में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आपको, अच्छा यहाँ पर दूसरी चीज़ है एडमिशन क्राइटेरिया में एंट्रेंस बेस पर क्योंकि एडमिशन हो रहा था, उस पर क्लिक कर देना है आपको। तो ये मैंने एंट्रेंस बेस्ड इस पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद आपसे मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अटैच करना है, ये पोर्शन आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्राइमरी हेल्थ सर्विस,
तो इसका जो फॉर्मेट है वो आप www.dudepass.du.ac.in वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, वही सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है। तो यहाँ चूज फाइल पर मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद अटैच करने का ऑप्शन आएगा। तो चलिए अभी तो मैं कुछ भी कर देता हूँ, यहाँ पर अटैच कर दिया मैंने ये सर्टिफिकेट और हाईएस्ट स्पोर्ट्स अचीवमेंट सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर आपका जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो अटैच कर देना है। तो फाइल यहाँ भी चूज करेंगे आप और अपना स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अटैच कर देंगे। तो ये मैंने एक सर्टिफिकेट अटैच कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है, आई हियर बाई अफर्म दैट आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिफॉर्मिटी और डिसेबिलिटी, जो कुछ भी है यहाँ पढ़ लें। इस पर मैंने टिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर है दोस्तों, हाँ, नीचे जो दिया हुआ है ये है एलिजिबिलिटी। इसमें से आपको क्लिक करना है कि कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं। तो मैं, आप पढ़ लें इसे, आप कौन से क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहे हैं। मैं सेकंड वाले पर कर देता हूँ, बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन विद 45% मार्क्स। इस पर मैंने क्लिक कर दिया है। तो आप जो भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं उस क्राइटेरिया पर आप टिक कर दें, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। उसके बाद स्क्रॉल को और नीचे ले जाएंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा सेलेक्ट योर ऑप्शन फॉर एग्जामिनेशन सेंटर। अब एग्जामिनेशन सेंटर के लिए ऑप्शन हैं बहुत सारे, आपका फर्स्ट चॉइस कौन सी होगी, सेकंड कौन सी होगी, थर्ड कौन सी होगी, तो जो भी आप भरना चाहें भर सकते हैं। तो मैं कोई से भी भर देता हूँ। चलिए मैंने एक अहमदाबाद भर दिया, एक बेंगलोर भर दिया, एक हैदराबाद भर दिया, जो भी आप भरना चाहें, ये तो मैं वैसे ही भर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन है, तो यहाँ पर आई एग्री यस, यस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद सारी चीज़ें आप पढ़ लें, आपने कोई चीज़ गलत तो नहीं टिक कर दी है या कोई गलत फाइल तो अटैच नहीं कर दी। तो ये सब कुछ करने के बाद आपको क्या करना है, सेव एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करना है। तो ये मैंने क्लिक कर दिया सेव एप्लीकेशन पर। देखिए ये एप्लीकेशन सेव हो गई है। अब यहाँ पर कॉलेज का नाम दिया गया है, तो क्योंकि DU में एक ही कॉलेज है फिजिकल एजुकेशन का, तो सिर्फ एक कॉलेज ही यहाँ पर आ रहा है। तो इसमें वन पर आप क्लिक कर देंगे, जैसे चॉइस दी हुई है तो चॉइस क्योंकि एक ही है IGI, तो वन पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद ग्रीन कलर में सबमिट लिखा हुआ है, तो इस पर आप टिक कर देंगे। तो ये मैंने टिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आई कन्फर्म द अबव, इस पर टिक करके सबमिट कर देना है इसे। तो मैंने सबमिट कर दिया। अब सबमिट करने के बाद ये देख सकते हैं आप, पूरा फॉर्म आपके सामने आ गया है। अब क्या करना है आपको, अपनी फीस का पेमेंट करना है। ये प्रीव्यू है आपके सामने इस समय, फीस का पेमेंट करना है आपको। तो स्क्रॉल को नीचे ले जाएंगे आप और यहाँ पर रेड कलर में लिखा हुआ है पे फी, तो यहाँ पर आप फीस पेमेंट करेंगे। दूसरी चीज, अगर आपको कोई चीज़ गलत लग रही है, ये प्रीव्यू ऊपर आपको पूरा दिख रहा है, कोई चीज़ गलत लग रही है आपको, तो क्लिक टू मॉडिफाई एप्लीकेशन, यहाँ पर क्लिक करके आप, ये जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करके आप दोबारा से मॉडिफाई कर सकते हैं उसे, ठीक है। तो मुझे मॉडिफाई नहीं करना, मैं सीधा फीस का पेमेंट करता हूँ। तो देखिए पे फीस, अब पे फीस में यहाँ पर मैं चला गया। अब पेमेंट गेटवे, आपको जैसे भी पेमेंट करना होगा कि पेमेंट गेटवे पर 750 रुपीज पेमेंट करना है, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी में हूँ। और अगर आप अदर कैटेगरीज में होते तो आपको 300 या जितने जो भी मैंने आपको बताया था अभी वीडियो के स्टार्टिंग में, उतना पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट गेटवे पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया। तो उसके बाद कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा। तो आपको जैसे भी पेमेंट करना हो वैसे पेमेंट कर सकते हैं। तो मुझे डेबिट कार्ड से मान लेते हैं करना है, तो मैंने डेबिट कार्ड पर क्लिक कर दिया। उसके बाद पेयर नेम, तो जिसका भी डेबिट कार्ड है उसका नाम लिख देना है आपको यहाँ पर, और ईमेल आईडी आप चाहें तो भर सकते हैं, चाहें तो ना भरें, ज़रूरी नहीं है कि आप ईमेल आईडी अपनी यहाँ पर भरें, ठीक है। तो ये करने के बाद आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आप एक अगले पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद 750 का अमाउंट है जो कि आपको पे करना होगा। 750 से कम है दूसरी कैटेगरीज का अमाउंट, तो जो भी आपकी कैटेगरी का अमाउंट होगा, जो भी आपने फॉर्म में फिल करा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ आ जाएगा। तो दोस्तों अब आपको क्या क्या करना है, यहाँ पर कुछ डिटेल्स मांगी गई हैं, जैसे कि कार्ड होल्डर नेम, क्योंकि मैंने डेबिट कार्ड से करा था, तो ये सब एंट्रीज फिल करके आपको यहाँ पर कंटिन्यू दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। तो कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, तो क्योंकि मैं पेमेंट तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वैसे ही फॉर्म भरकर दिखा रहा था आपको, तो ये एरर दिखा रहा है। इसके आगे से कुछ भी नहीं है, आगे बस सिर्फ इतना आएगा दोस्तों, कंटिन्यू करके आपका पेमेंट हो जाएगा और आपका फॉर्म जो अभी प्रीव्यू पीछे दिख रहा था, मैंने आपको अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले, वो वाला प्रीव्यू पूरा फॉर्म का आ जाएगा और पेमेंट भी लिखा हुआ आ जाएगा कि आपने पेमेंट कर दिया है।
और फिर आपका सबमिट हो जाएगा फॉर्म। तो उसमें आपको क्या करना है, बस यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करना है, उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो यही है दोस्तों फॉर्म सबमिट करने का जो पूरा तरीका है जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों ये था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का पूरा प्रोसेस, जिसके बारे में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है, कैसे कैसे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में समझा दी हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कॉमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएँ। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की किसी नई वीडियो में।